नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले की जो वीडियो थी उनमें पढ़ा था कि पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, तो पुरुष के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी और पट धातु के आधार पर वाक्य भी बनाना जाना था। तो पुरुष कितने होते हैं एक बार फिर पुनरावृत्ति करता हूं। देखिए, पुरुष सबसे पहले अहम, आवाम और वयम, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। किसके कर्ता होते हैं? उत्तम पुरुष के। अहम का मतलब मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। हम सब ये उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। अहम एक वचन हो गया और आवाम द्विवचन हो गया और वयम बहुवचन हो गया। ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, अहम मीन्स मैं। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। तो ये उत्तम पुरुष लिख देता हूं, उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए। नेक्स्ट मध्यम पुरुष के कर्ता लिखता हूं, मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन का है त्वम, त्वम मीन्स तुम, ये एक वचन का कर्ता। और युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम, यूयम का मतलब तुम सब, तुम सब, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हो। एक बार फिर, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। आसानी से वाक्य बना सकते हैं। अब बहुत अच्छी तरह से जानना है उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम। हिंदी में बोले तो मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अब नेक्स्ट बच गया हमारे पास में प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष बचा? प्रथम पुरुष बचा। प्रथम पुरुष किसको कहेंगे? जहां उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं है वहां पर प्रथम पुरुष होगा। अर्थात उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष होते हैं। तो दोस्तों ये सब आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, जिसे याद रहे। तो यहां पर लिख देता हूं कि उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के अलावा जितने कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष होते हैं। वे सब प्रथम पुरुष होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इन्हीं के आधार पर हम वाक्य बनाना अभी जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वद धातु लट लकार। कौन से लकार? लट लकार, ये देखो लट लकार। धातु कौन सी? वद धातु। वद का मतलब बोलना, वद मीन्स बोलना। यहां पर एक वचन और द्विवचन और नेक्स्ट बहुवचन, पुरुष प्रथम मध्यम और उत्तम।
प्रथम पुरुष में वद धातु लिखेंगे हम वदति वदति, ठीक है। फिर लिखेंगे वदत, फिर वदन्ति, ठीक। उसी प्रकार से जैसे पठ धातु हमने जानी थी, पठति पठत पठन्ति, उसी प्रकार से वदति वदत वदन्ति। नेक्स्ट है वदसि वदसि, वदत वदत, वदामि वदावह और वदामह वदामह, ये धातु है, ठीक है। जैसे हमने जाना था पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावे पठामह। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और सेंटेंस बनाने का अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जानते हैं वद धातु, वद मीन्स बोलना, वदति वदतः वदन्ति वदसि वदतः वदत वदामि वदावह वदामह। अब हम जानते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष के कर्ता, तो उत्तम पुरुष के कर्ता मैं लिख रहा हूं यहां पर अहम, उत्तम पुरुष एकवचन, आवाम, ये उत्तम पुरुष द्विवचन हो गया जिसका मतलब होता है हम दोनों, और वयम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता। ये कर्ता मैंने नीचे लिखे आपकी सुविधा के लिए जिससे हम जान सके। अब उत्तम पुरुष की जो क्रिया है, क्रिया को हम संस्कृत में बोलते हैं धातु और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, ठीक है। तो वदामि वदावह वदामह। अब उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है ये, अहम का मतलब मैं कितने हुए एक हुआ, और तो उत्तम पुरुष एक वचन की हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं अहम, उत्तम पुरुष एक वचन है और उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे वदामि। संस्कृत एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज है दोस्तों, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और देखो उत्तम पुरुष ये है और ये वदामि, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम वदामि, अहम मीन्स मैं, वदामि मीन्स बोलता हूं, मैं बोलता हूं। तो उत्तम पुरुष एक वचन हो गया अहम वदामि, मैं बोलता हूं। यहां पर हिंदी में भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अहम का मतलब मैं, वदामि मीन्स बोलता बोलता हूं, ये हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे बता। अब नेक्स्ट देखिए नंबर टू, आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, अहम एक वचन है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम का मतलब हम दोनों। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन देखेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया वदामि, द्विवचन की क्रिया वदावह है। तो यहां पर आवाम के साथ हम क्या लिखेंगे वदावह, वदावह, आवाम वदावह, हम दोनों बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं। तो यहां पर हिंदी में भी हम लिख सकते हैं हम दोनों बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं, ये वाक्य बन गया। इस संस्कृत के आवाम हम दोनों वदावह बोलते हैं, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हुआ हम दोनों बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर थ्री, नंबर थ्री में जैसे वयम है, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी वदामह, वदामह, वयम हम सब वदामह बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। तो ये वाक्य बन गया हमारा हम सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, ये वाक्य बन गया। इस प्रकार के वाक्य सिक्स सेवेंथ क्लास में पूछ लिए जाते हैं, कहीं पर कर्ता नहीं होता है और कहीं पर क्रिया नहीं होती है,
इसके आधार पर हम वाक्य बनाएंगे, अभी जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के कर्ता हैं जैसे, तो मध्यम पुरुष के कर्ता मैं यहां लिख देता हूं त्वम, युवाम और यूयम। त्वम मीन्स तुम होता है एकवचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, ये बहुवचन मध्यम पुरुष के कर्ता। मध्यम पुरुष कहां है यार? ये इस लाइन में मध्यम पुरुष लिखा, ऊपर पुरुष लिखा हुआ है, मध्यम लिखा हुआ है, तो ये मध्यम पुरुष की लाइन। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया ये है, द्विवचन की क्रिया ये है, बहुवचन की क्रिया ये है, ठीक है। तो हम वाक्य बनाते हैं, जैसे त्वम हमने लिया, जैसे त्वम हमने लिया, तो यहां पर लिखा त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन है, देखिए एक वचन है मध्यम पुरुष। अब ये मध्यम पुरुष भी लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, मध्यम पुरुष शॉर्ट में, ठीक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? वदसि, वदसि, ये वाक्य बन गया त्वम वदसि। त्वम वदसि का मतलब तुम बोलते हो, तुम बोलते हो, ये वाक्य बन गया। नेक्स्ट तुम दोनों बोलते हो, जैसे युवाम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, नंबर वन। नंबर टू, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता, युवा मीन्स तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी? वदथ है, तो यहां पर लिखेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया वदथ है। इसका मतलब हुआ युवाम तुम दोनों, वदथ है बोलते हो, तुम दोनों बोलते हो। तो हिंदी में भी सेंटेंस लिखते हैं तुम दोनों बोलते हो, तुम दोनों बोलते हो, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर थ्री, यूयम, यूयम मीन्स तुम सब, तो लिख रहा हूं यूयम तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? वदत। ये यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया ये एकवचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन वदत, तो यहां पर यूयम वदत लिखेंगे। तो ये हुआ यूयम तुम सब, वदत बोलते हो, तुम सब बोलते हो, तो हमारा वाक्य बना तुम सब बोलते हो, तुम सब बोलते हो, ये वाक्य बना। तो मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता त्वम, द्विवचन युवाम, बहुवचन यूयम। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया वदसि, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया वदथ है, और वदत बहुवचन की क्रिया वदत। तो वाक्य बना त्वम वदसि तुम बोलते हो, युवाम वदथ है तुम दोनों बोलते हो, यूयम वदत तुम सब बोलते हो। इसका सामान्य सा नियम मैं आपको बता देता हूं, क्या ये नोट, जिस पुरुष तथा वचन में करता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया होगी, ये नियम है, जिस पुरुष तथा वचन में करता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया होगी, ये पहला नियम। दूसरा नियम नंबर वन, नंबर टू है, जिस पुरुष तथा वचन में क्रिया है उसी पुरुष तथा वचन में करता होगा।
दोनों नियम ध्यान से देखेंगे। जिस पुरुष तथा वचन में कर्ता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया होगी, जिस पुरुष तथा वचन में क्रिया है उसी पुरुष तथा वचन में कर्ता होगा, उसी पुरुष तथा वचन में कर्ता होगा। ये रूल हमें ध्यान रखना है, हमें अंत तक ये रूल काम में आएगा और इस नियम के आधार पर हमें बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। जैसे कारक प्रकरण है, कोई भी शब्द रूप है या धातु रूप है, उसमें क्रिया क्या होगी, कर्ता क्या होगा, उसके आधार पर भी हमें अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जानते हैं इस नियम के आधार पर हम वाक्य किस प्रकार से बनाए जाने, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर आंसर आपको देना है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहां पर लिख रहा हूं अहम, यहां पर लिख दिया मैंने त्वम, ठीक है, यहां पर आवाम लिखा, यहां पर युवाम, और ये वयम, और ये यूयम, ठीक है, ये करता है। हमें बताया गया कि यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है, वद धातु लट लकार, वद धातु लट लकार से इनको भरना है, वद धातु लट लकार से भरना है। तो हमें पहला रूल फॉलो करना है, जिस पुरुष तथा वचन में करता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया होगी। अब अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, यहां पर देखेंगे उत्तम पुरुष और एक वचन का करता वदामी, एक वचन का करता वदामी है। तो देख लीजिए, यहां पर लिखेंगे वदान, उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया क्या हुई, वदामी। कैसे लिखा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन का करता अहम है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया वदामी। जिस पुरुष तथा वचन में, इस नियम को पढ़िए, जिस पुरुष तथा वचन में करता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होगा। तो हमारा वाक्य बन गया अहम बना, ठीक है। नेक्स्ट है त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, जो अभी अभी आपके सामने डिस्कस किया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, वो क्या होगी, वदसी। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी, वदसी। हम सामान्य भाषा में ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसा करता वैसी क्रिया, जैसी क्रिया वैसा करता। इसका मतलब यह हुआ, यदि करता उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में होगी, करता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में होगी। तो जैसा करता वैसी क्रिया, और क्रिया उत्तम पुरुष में एक वचन में है तो कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन में होगा, तो जैसी क्रिया वैसा करता, ठीक है। नेक्स्ट है आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। आवाम मीन्स हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी, बताइए। तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी वदाव, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी वदाव, ठीक है। नेक्स्ट है युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, युवाम मीन्स तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी, वदसी एक वचन, वदथ द्विवचन हो गया, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया को होगी वदथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, वयम, वयम मीन्स हम सब, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वदाम है, यहां पर वदाम है, हम सब वदाम है बोलते हैं। नेक्स्ट है यूयम, यूयम मीन्स तुम सब,
मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी वदसी एकवचन, वदत है द्विवचन, वदत बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी वदत। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। ये तो हुआ पहला नियम कि जिस पुरुष तथा वचन में कर्ता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया होगी। अब दूसरा नियम देखिए। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की जो क्रियाएं होती हैं उनके कर्ता निश्चित होते हैं, वो नहीं बदलते। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे ये उत्तम पुरुष की क्रिया है और ये मध्यम पुरुष की क्रिया, इनके जो कर्ता होते हैं वो नहीं बदलते हैं, वो यही रहते हैं जो आपके सामने डिस्कस किया है। क्या कि अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के कर्ता है, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है, ये बदलते नहीं। तो आइए साथियों जानते हैं दूसरे नियम के आधार पर इनके आंसर। अब जो हमने लिखे ये रफ कर दी, ठीक है दोस्तों। अब हमें आंसर लिखना है, यहां पर कर्ता लिखना है, किसको देख करके, क्रिया को देख करके कर्ता लिखना है। क्रिया को देख करके कर्ता लिखना है, यहां पर वदामी है। वदामी कहां है, उत्तम पुरुष एक वचन है वदामी, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा अहम, अहम का मतलब मैं, अहम ऊपर ये जो अनुस्वार लगा रहे हैं इसका मतलब होता है मैं। इसका भी नियम बताऊंगा कि कहीं पर अनुस्वार कहीं पर मैं क्यों आता है, ठीक है वो अभी जान लेते हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए मैंने अहम लिखा और आगे क्या लिखा हुआ है वदामि, ये जानेंगे अभी। शुरू में जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये इतने नियम नहीं बताए जाते हैं, लेकिन जान लीजिए आप इस मैं के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट आता है, तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। और इस मैं के बाद में, इस मैं के बाद में यदि कोई स्वर आता है, स्वर वबल्स आता है, तो मैं एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे अहम लिख दिया मैंने और यहां लिखा एवदम, तो ये जो मैं है ना एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहां पर स्वर आ गया वोवल आ गया, इसलिए ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं अहम वदामि, नेक्स्ट है वदसी। वदसी क्या है, मध्यम पुरुष द्विवद एक वचन का कर्ता, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा त्वम, त्वम वदसी। फिर वदावह, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है वदावह। अभी तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, अहम समझने की दृष्टि से अहम वदामि और त्वम वदसि, ठीक है। सिक्स क्लास के बच्चे इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन सेवंथ और नाइन टेंथ के बच्चे ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे नियम बताया है वैसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वदावह है उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होगा आवाम। वदत है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होगा युवाम, तुम दोनों। वदामह है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता अहम आवाम वयम, तो यहां पर लिखेंगे वय। नेक्स्ट वदत, वदत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया वदत, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता होगा यूयम। इस प्रकार से क्रिया को देख करके कर्ता हम करते हैं और कर्ता को देख करके क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट अवश्य करें, आपके प्रश्न का निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। तो विद्वान साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
और सब्सक्राइब कीजिए।